2016 क्वेश्चन नंबर 14, 14th क्वेश्चन, ये भी 25 मार्क्स का है, इसमें भी आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं. तो लेट्स हैव अ लुक कि क्या क्वेश्चन है एंड वी विल कीप राइटिंग द कीवर्ड्स. तो सरस्वती वाज अ सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल इन यूएसए. सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल इन यूएसए. दो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर केस, येट यहां पर एटलीस्ट हमें ये चीज समझ में आती है कि ये सक्सेसफुल है कहां पर, यूएसए में. ठीक है. मूव्ड बाय द पेट्रियोटिक सेंस ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री शी रिटर्न टू इंडिया. तो ये वापस आती है इंडिया, क्यों? क्योंकि पेट्रियोटिज्म की भावना से. अब टुगेदर विद सम अदर लाइक माइंडेड फ्रेंड शी फॉर्म्ड एन एनजीओ टू बिल्ड अ स्कूल फॉर अ पुअर रूरल कम्युनिटी. अब और लोगों के साथ मिलकर किसके लिए? पुअर रूरल कम्युनिटी के लिए एक एनजीओ बनाना चाहती है ये. तो सरस्वती प्लस सरस्वतीज फ्रेंड्स जो और लोग होंगे जो ऐसे ही सोचते हैं, जो बाहर है, सक्सेसफुल है, हिंदुस्तान में आके कुछ काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग लोगों के साथ एक एनजीओ बनाना चाहती है. और किन के लिए? जो रूरल पुअर रूरल कम्युनिटी है उनके लिए. नाउ लेट्स हैव अ लुक इन वन थिंग ओवर हियर. सच काइंड ऑफ ग्रुप, सच काइंड ऑफ पीपल डू एग्जिस्ट हु आर सक्सेसफुल आउटसाइड एंड येट दे लीव ऑल दैट, दे लीव ऑल देयर प्लेजर्स, दे लीव ऑल देयर बिलोंगिंग्स for coming to India and work for the people who actually need their help. ऐसे ही एक ग्रुप में जो थे उनका नाम था सरस्वती, जो कि आई थी यहाँ पर एक एनजीओ बनाने के लिए. लेकिन अब यहाँ पर से समस्या चालू होती है. The objective of the school was to provide the best quality modern education at a nominal cost. She soon discovered that she has to seek permission from a number of government agencies. इसका एंड अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, एक अच्छा एनजीओ बनाना चाहती है जो कि मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. जब ये बनने की बात आई तो उन्हें पता चला कि उन्हें परमिशंस की जरूरत पड़ेगी. आई डिस्कवर्ड दैट शी हैज टू सीक परमिशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज. द रूल्स एंड प्रोसीजर्स वर क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड कंबरसम. तो जो रूल्स जिनकी बात हो रही है वो एक तो कंफ्यूजिंग थे और कंबरसम, यानी कि बहुत बड़े हैवी रूल्स थे. इसके बाद व्हाट फ्रस्ट्रेटेड हर मोस्ट वाज द डिलेज, कैलस यानी कि केयरलेस एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल्स एंड कांस्टेंट डिमांड फॉर ब्राइब्स. अब यहां पर तीन और चीजें निकल कर आई हैं. क्या क्या? एक डिले, केयरलेसनेस एंड ब्राइब. डिले, केयरलेसनेस, ब्राइब्स की डिमांड. Her experience and the experience of many others like her has deterred people from taking up social service projects. A measure of government control over voluntary social work is necessary. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अब इससे पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं. एक व्यक्ति जो कि सक्सेसफुल है बाहर एंड दे आर अर्निंग वेल एंड स्टेइंग इन अ कंट्री वेयर दे गेट एवरीथिंग इन अ डेवलप्ड कंट्री, वेन दे ट्राई टू कम इन इंडिया विद अ गुड एंड विद अ गुड पर्पज, व्हाट डू दे फेसेस? Permissions, confusing rules, cumbersome rules, delays, carelessness, bribes. अब इस तरीके की के environment में क्या आपका good purpose fulfill हो सकता है? आपका good purpose कभी fulfill नहीं हो पाएगा. ये एक के साथ नहीं होगा, ये हर किसी के साथ होगा जो इस उद्देश्य या इस aim या इस नजरिए के साथ आ रहा है कि देश में कुछ बदला जाए. क्या बदला जाए? कि उन पूरा rural community को modern education मिले जिसके वो हकदार है. लेकिन वो किस लिए नहीं मिल पाएगी? क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर खड़ी रहेंगी. यहां से अब सवाल चालू होता है. अ मेजर ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर वॉलंटरी सोशल वर्क इज नेसेसरी. मतलब जो वॉलंटरी सोशल वर्क है, यानी कि इसी तरीके का हो गया ये जो एनजीओ की बात हो रही है, थोड़ा कंट्रोल जरूरी है, कंट्रोल इज नेसेसरी. ऐसा नहीं बोला जा रहा कि कंट्रोल नहीं रखा जाए, लेकिन इट शुड बी नॉट बी एक्सरसाइज इन अ कोअर्सिव और करप्ट मैनर. इस तरीके से इसे नहीं एक्सरसाइज होना चाहिए. व्हाट मेजर्स कैन यू सजेस्ट टू एंश्योर दैट ड्यू कंट्रोल इज एक्सरसाइज बट वेल मीनिंग ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट एनजीओ एफर्ट्स आर नॉट थॉटेड. मतलब कंट्रोल जरूर रखा जाए, लेकिन कंट्रोल ऑनेस्ट ओपिनियन या ऑनेस्ट एफर्ट को ना खत्म करे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली इट्स क्लियर कट इन फ्रंट ऑफ अस, जो प्रॉब्लम्स हैं वही सॉल्यूशन है. परमिशंस आप रखिए, लेकिन इतनी ज्यादा परमिशंस मत रखिए कि वो मोटिवेशन खत्म हो जाए. रूल्स अगर होंगे, सिंपल रूल्स होंगे, इसकी आजकल सरकार बात भी बहुत करती है, हर सरकार बात करती है कि रूल्स जितने ज्यादा कंफ्यूजिंग होंगे उतने ज्यादा एक आम आदमी को या एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बाहर सिंपल जगह से आ रहा, सिंपलर प्लेस से आ रहा है इन टर्म्स ऑफ द रूल्स एंड ऑल, आप नहीं समझा सकते. तो अगेन दैट इज अगेन अ डिटरेंस फॉर द मोटिवेशन. इफ इट इज वेरी कंबरसम
अब वो एनजीओ खड़ा कर रहे हैं ऑलरेडी कितना एफर्ट लग रहा होगा उस एफर्ट में, आप वो हैवी रूल्स को समझो, इतना टाइम निकालना उसके लिए, तो आप कहीं ना कहीं तो अपने गुड पर्पस से फिर डिस्टेंट हो रहे हो। डिलेज नहीं होने चाहिए, एक टाइम लिमिट, एक डेड एंड बनाना चाहिए। उसके साथ साथ केयरलेसनेस के लिए आपको इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी, प्लस लोगों को एथिकल, जो एम्प्लॉयज है पब्लिक एम्प्लॉयज उनको एथिकल बनाने की कोशिश करनी रहेगी। ब्राइब्स इज अ बिग प्रॉब्लम दैट इज बीइंग डेल्ट अगेन बोथ इंटरनली, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर वैल्यू सिस्टम भी स्ट्रांग करने की बात आएगी और रूल्स और लॉज को भी स्ट्रांग करना रहेगा। एक और चीज जो इसके साथ इंपॉर्टेंट आती होती है कि टू एग्जामिन this should be kept as a priority and as an important step in diluting these things. क्यों? क्योंकि अगर आपको एक बार आपको ये idea लग गया है कि good purpose है तो यहाँ पर ये चीजें आप आसान कर सकते हो, लेकिन अगर good purpose identify नहीं हुआ है तब आप चीजों को लूज छोड़ते हो, control जो वो well meaning control की बात करी गई है यहाँ पर वो गड़बड़ा जाएगा। तो कंट्रोल रखिए, लेकिन उतना मत रखिए कि कोई अच्छा काम करना चाह रहा है तो आप उसे वो काम भी नहीं करने दें। दिस इज हाउ यू कैन डील विद द क्वेश्चन नंबर 14 2016। 25 मार्क का क्वेश्चन है और 300 वर्ड्स आपको लिखने हैं।